बामपाल स्थित ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में प्रत्येक वर्ष की भांति जिला एवं नगर के सभी छात्र छात्राओं एवं युवक युवतियों हेतु 20 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ डॉक्टर एस के रुंगटा डॉक्टर सविता रुंगटा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। उक्त कैंप के दौरान भाग लेने वाले प्रतिभागियों को तैराकी, बास्केटबॉल, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, कैलोग्राफी, शॉर्ट पुट, टेबल टेनिस, फूलों की सजावट, हर्बल, रंगोली, सलाद, डेकोरेशन आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ साथ समापन के दिन जगदीशपुर के किला का भ्रमण भी कराया जाएगा। उक्त अवसर पर डॉक्टर अभिषेक आनंद ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक समय में सिर्फ किताबी ज्ञान से ही कुछ नहीं हो सकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने एवं गर्मी के मौसम में समर कैंप का विद्यालय में उद्घाटन किया गया, क्या क्या इस समर कैंप में विशेष सुविधाएं हैं? इसका सेकेंड ईयर है समर कैंप का ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में आज उद्घाटन हुआ है। 20 डेज का ये कैंप है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाई जाएंगी। इसमें सबसे प्रमुख आकर्षण है बच्चों के लिए स्विमिंग, 3D, रोबोटिक्स, और इस बार हम लोग नई चीज़ें लाए हैं जैसे कैलीग्राफी, इको फ्रेंडली रंगोली, कुकिंग विदाउट फ्लेम, और साथ ही साथ योगा, टेबल टेनिस, गिटार, डांस, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएंगी। बच्चों में कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, और हम लोगों ने उनके लिए एक विजिटिंग भी रखा है। हम लोग जगदीशपुर किला भी उनको 9 तारीख को लेकर के जा रहे हैं, तो बच्चों में इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही उत्साह है और बच्चे बहुत उत्साहित रूप से आज इसमें